और जियो खान यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप व्हाइट बोर्ड पे वीडियो लेक्चर देखना पसंद करते हैं तो ओशनोग्राफी के ऊपर सुमित हैं, वो बना रहे हैं वीडियो लेक्चर्स। जियो पॉइंटर अकेडमी करके उनका वीडियो चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट करना। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है वहाँ पर आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप व्हाइट बोर्ड प्रीफर करते हैं तो वहाँ देख लीजिए, अगर पीपीटी के थ्रू पढ़ना पसंद करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। चलिए, लिंक ज़रूर चेक कर लेना, है ना। और कई लोगों का मैसेज आया था कि सर आप कब लाइव आए, कब चले गए, पता ही नहीं चला। तो वो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बनी हुई है, ठीक है, उसको प्रेस करना होता है। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा या जब भी मैं लाइव आऊँगा, तो उसका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओशनोग्राफी का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वाई वी नीड टू स्टडी ओशनोग्राफी एंड विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो दिस इज द वीडियो लेक्चर वन, एंड इसके अंदर अपन डील करेंगे एकदम बेसिक्स ऑफ द ओशनोग्राफी। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं पता है, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, आज के बाद पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो ओशनोग्राफी के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि देखो दो सफिक्स लगते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स होता है जो वर्ड के लास्ट में लगता है। तो जैसे यहाँ पे दो सफिक्स है अपने पास में, एक ओलॉजी और एक आपका ग्राफी, ठीक है। ओलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग या और द साइंस ऑफ द समथिंग, और ग्राफी का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड देन वी विल डिस्क्राइब द थिंग्स, ठीक है। सो ग्राफी का मतलब है कि एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द थिंग्स एंड देन वी विल डिस्क्राइब इट। सो जियोलॉजी विल बिकम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रोसेसेस एंड जियोग्राफी विल बिकम फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मैं आपको बहुत ही यूनिक सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अपने पास में क्रिस्टलोग्राफी होती है और स्टेटिग्राफी अपन पढ़ते हैं, कभी भी अपन क्रिस्टलोलॉजी नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपने पास में ये क्रिस्टल्स हैं, वेरियस हैं, आइसोमेट्रिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, इन सबको ये क्रिस्टल सिस्टम अपन किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, अपन डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड द एंगुलर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्स, विच मीन्स कि अपन प्योरली फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग वर्ड एज ए ग्राफी एट द सफिक्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। सो एक्ट ऑफ एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल्स एंड देन वी आर डिस्क्राइबिंग इट। तो अपने पास में डिस्क्राइब करने का पैरामीटर क्या है, एक्सियल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, उनकी लेंथ और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो आई होप कि ग्राफी वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से बेस करके और उसको डिस्क्राइब करें। अब जियोग्राफी में आप क्या करते हैं, माउंटेन्स कैसे हैं, प्लेटूज कैसे हैं, प्लेन एरिया कैसा है, बेसिन कैसे हैं, ओशंस कहाँ पे हैं, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं, सॉइल किस तरह की है, ठीक है, कहाँ पे है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की सॉइल मिलती है, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स आपके पास मैक्सिमम क्या है, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, एक डेंसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम है ये और सरफेस एरिया है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप क्या करें, किसी चीज़ का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, वो आपका क्या है, ग्राफी। तो जियोग्राफी में अपन क्या कर रहे हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जियोलॉजी में क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा आपका, कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनी है ना, उसका क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर किस तरह की केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, किस तरह के फोर्सेस वहाँ पे लग रहे हैं, लिथोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डाइवेट्रिक स्ट्रेस वगैरह है, किस तरह के वो काम करते हैं, अर्थ के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वेरियस टाइप की, फॉल्ट फॉल्ट जॉइंट्स, लीनिएशन, क्लिवेज, सिस्टोसिटी, सब ये किस तरह से बने, क्या इनका ओरिएंटेशन है और वैसा है तो क्यों है, ठीक है। ये सारा का सारा साइंटिफिक स्टडी जो आप अपन करते हैं वो आपका क्या ओलॉजी के अंदर आ जाता है, और जब अपन फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे वो ग्राफी में आता है। तो डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, इन जियोलॉजी वी आर डीलिंग विद द प्रोसेसेस ऑफ अर्थ इन ए साइंटिफिक मैनर, एंड जियोग्राफी में अपन क्या कर रहे हैं, सिंपली फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्रिस्टलोग्राफी में अपन क्रिस्टल सिस्टम्स की स्टडी कर रहे हैं, वो ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब जैसे इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, जैसे स्टेटोग्राफी अपन बोलते हैं ना, स्टेटोलॉजी तो कभी नहीं सुना आपने,
स्टेटिग्राफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेटिग्राफी के अंदर जैसे अपने पास में ये इंडिविजुअल बेड्स हैं, ठीक है, तो इन बेड्स का अपन किस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, स्टाटा बोलेंगे या लेमिनेशन बोलेंगे? स्टाटा मतलब कि थिकनेस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लेमिनेशन मतलब 1 सेंटीमीटर से कम। तो अपने पास में थिकनेस एक फिजिकल पैरामीटर आ गया जिसके बेसिस पे अपन ने स्टाटा और लेमिनेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे इनको अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये प्योरली किसके बेसिस पे है? फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे अपन डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज ए स्टेटिग्राफी। और जब सेडिमेंटोलॉजी बोलते हैं तो सेडिमेंटोलॉजी में अपने सारा है ना कि सेडिमेंट बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होएगा, फिर वो बेसिन में जाकर के डिपॉजिट होएगा, फिर सीमेंटेशन होगा, लिथिफिकेशन होगा, वो सारी सारी प्रोसेस का कंसिक्वेंस आपको एक सेडिमेंटरी रॉक बनेगी। तो ये पूरी की पूरी एक साइंटिफिक अप्रोच आ गई, फिर देखेंगे सेडिमेंट बना कैसे, समझ रहे हो? तो ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है कि आप कब क्या बोलेंगे और कब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ओशनोग्राफी में क्या होगा? ओशनोग्राफी में सिर्फ अपन ये तो नहीं देख रहे ना कि ओशंस कितने हैं, ओशंस किस बेसिस पे डिफाइन हो रहा है, कितने ओशंस हैं, कहाँ कहाँ हैं, अपन तो ये भी देख रहे हैं कि ओशंस के अंदर प्रोसेसेस किस तरह की हैं, इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहे हैं, सरफेस जो रिलीफ फीचर्स बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, सी वाटर की केमिस्ट्री भी डील कर रहे हैं। तो अपन साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं बेसिकली ओशंस की, तो है ना, फिजिकल डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे रहे, लेकिन लिटरेचर जो आपका स्टैंडर्ड जो लिटरेचर है, एनसाइट जो लिटरेचर है, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो अपन स्टार्टिंग से ओशनोग्राफी टर्म यूज होती है ये लिटरेचर में, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दैट्स वाई वी आर यूजिंग टर्म ओशनोग्राफी इंस्टेड ऑफ ओशनोलॉजी। लेकिन अगर आप ओशनोलॉजी यूज भी करते हो तो ये गलत नहीं है, समझ में आगे बात। ये तो बेसिक सा फंडा हो गया कि ओशनोग्राफी का मतलब क्या है, कि एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्राइबिंग द ओशंस, किसके बेसिस पे? फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब फिजिकल पैरामीटर्स वेरी कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलोग्राफी में आपके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लेंथ और उसके बीच का एंगल एक पैरामीटर है, स्टेटोग्राफी में थिकनेस, कलर, टेक्सचर एक पैरामीटर है ना, ओशनोग्राफी में अलग पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसी तरह से सारे के सारे आपके जहाँ पे भी ग्राफी लगेगा वो पैरामीटर्स वहाँ पे बदलते रहेंगे, ठीक है। नाउ अपने को देखना है कि ओशनोग्राफी इज सिंपली फिजिकल डिस्क्रिप्शन है क्या ओशंस का? नहीं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, ठीक है। कैसे? इसके अंदर सारे के सारी है, जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल भी पढ़ते हैं, फिजिक्स ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट भी रहता है, बायोलॉजी का भी रहता है, जियोग्राफी का भी, मतलब ये एक इंटरडिसिप्लिनरी है। आप सिंपली जियोलॉजी के स्टूडेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओशनोग्राफी जियोलॉजी वाली पढ़ोगे, आपके सिलेबस में सब कुछ है, ठीक है। तो ये अपन सारा डील करेंगे, ये मैं सिलेबस में भी बता चुका हूँ कि ये सारा अपन डील। अब जैसे जियोलॉजी है तो जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी में अपन क्या डील करते हैं? मेनली सी फ्लोर टेक्टोनिक्स, ठीक है, आपके कोस्टल प्रोसेसेस कैसी हैं, टाइड्स कैसे आती हैं, ओशनिक वेव्स कैसे हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आपका एस्ट्रोनॉमी जो है उसके अंदर आपके टाइडल फोर्सेस कौन से हैं, ओशन ऑन द प्लैनेट्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ वाटर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ और सबसे पहले कहाँ आई? ओशंस के अंदर आई, ठीक है। फिर फिजिकल जो ओशनोग्राफी है इसके अंदर अपन क्या डील करते हैं? करंट्स, वेव्स, है ना, सोनार, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इनको अपन डील करते हैं। फिर केमिस्ट्री के अंदर ये सारा का सारा ये लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब ओशंस होते क्या हैं? ओशंस आर द लार्ज स्केल इंटरकनेक्टेड वाटर वाटर बॉडीज। आपने सुना होगा ना सी वर्ड सुना होगा ना, SEA, ठीक है। तो ओशंस और सी में क्या डिफरेंस है ये भी अपन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दिस, लार्ज स्केल इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज आर ओशंस। इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज का मतलब क्या है? यहाँ पे देख लो, ये एक वाटर बॉडी है, लार्ज स्केल की वाटर बॉडी है, ठीक है। ये पॉइंटर जहाँ जहाँ दे जा रहा है आप आराम से देखिए, ये वाटर बॉडी है। फिर यहाँ पे एक ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ऊपर भी एक वाटर बॉडी है और नीचे भी एक वाटर बॉडी है, ठीक है। ये सारी सारी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, सारी सारी कनेक्टेड हैं। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि दीज आर इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज। अब यहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच में कौन सा ओशन है, उसका क्या नाम है, ठीक है, उसका एक्सटेंट क्या है, ठीक है, वो अपन आगे डील करते हैं। तो ओशन का सिंपली मीनिंग क्या हो गया? लार्ज स्केल इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज, सिंपली, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं कि डिफरेंट ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप। यहाँ पे देखो, ये अपना इक्वेटर है, आप पॉइंटर को देखते चले जाइए, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे का जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिफाइन करने का बेसिस क्या है? 0 डिग्री लेटीट्यूड, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें अपन स्पेसिफाइक नहीं कर रहे हैं अभी, अपन सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये आपके ओशन है, जैसे ये पैसिफिक ओशन है,
ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन मिलेगा, और फिर घूम के वापस आएंगे पीछे तो वापस आपका क्या आएगा, इधर पैसिफिक ओशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन के नीचे क्या लिखा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। आप यकीन, दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, डीपेस्ट ओशन कौन सा है। यहाँ पे दूसरा अपन देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशन, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। थर्ड लिखा है इंडियन ओशन, तो इट इज़ एग्जिस्ट मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके कई सारे सिग्निफिकेंस है जिसको अपन आगे डील करेंगे जैसे जैसे अपना कोर्स प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंड सेलोवर है। सेलोएस्ट का मतलब क्या है कि उसकी डेप्थ बहुत कम है, कितनी है वो भी अपन अभी देखेंगे इसी इसी लेक्चर में। तो मोटा मोटी आपके पास में कितने ओशन है, इसके अलावा एक नीचे यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास में अंटार्कटिक ओशन भी है, जो मेनली आपका जो अंटार्कटिक कन्वर्जेंस होता है। अब ये कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में कैसे डिफाइन करते हैं, इसको भी अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ ये देख लो कि अंटार्कटिक ओशन जो है वो अंटार्कटिक कन्वर्जेंस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, आर्कटिक ओशन है वो आपका स्मॉलेस्ट है, सेलोएस्ट है, और जो आपका पैसिफिक ओशन है ये आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। ये सीक्वेंस पूछी जा सकती है आपसे कि अरेंज द फॉलोइंग ओशनिक वाटर बॉडीज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर साइज। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका आर्कटिक है, उसके बाद में इंडियन है, फिर आपका अटलांटिक है, फिर आपका पैसिफिक है। तो ये मेनली आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव साइज ऑफ ओशंस की बात करें तो सबसे जो पैसिफिक ओशन है वो 50.1% के आसपास है, अटलांटिक ओशन उसके बाद में, इंडियन ओशन उसके बाद में, और यहाँ पे ये जो छोटा सा चाप दिख रहा है आर्क शेप में, ये आपका क्या है, आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन कितना है, 33.4%। जो प्रीवियस पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि जो ओशनिक वाटर बॉडीज हैं वो ऑलमोस्ट 71% जो अर्थ सरफेस एरिया है उसको कवर करती हैं, उस 71% में मोटा मोटी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। ठीक है, चलिए आगे इसमें डील करते हैं कि कितने टोटल ओशन है। चार ओशन तो अपन डिफाइन कर चुके हैं, पांचों का नाम आ गया है यहाँ पे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक और इंडियन, जिसमें पैसिफिक ओशन है वो आपका लार्जेस्ट और डीपेस्ट है, आर्कटिक ओशन आपका स्मॉलेस्ट एंड सेलोएस्ट है। तो ये आप बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना, आगे जब वीडियो लेक्चर्स अपन डील करेंगे तो उसमें इनकी इंडिविजुअल की शेप भी देखेंगे, इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। अभी सिर्फ ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको स्टार्ट करनी है ओशनोग्राफी तो कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे जो अपने पास में देखो पैसिफिक ओशन है, इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये डायग्राम के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 50.1% जो है वो रिलेटिव साइजेस ऑफ ओशन में जब करते हैं तो 50% ऑफ द ओशनिक वाटर बॉडी इज कन्फाइंड टू द पैसिफिक ओशन, तो इसी को लिखा। अब डीपेस्ट पॉइंट इसका क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। अब मेरियाना ट्रेंच होता क्या है, ये आपका एक सबडक्टिंग प्लेट का सर्फिशियल एक्सप्रेशन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वॉट इज ट्रेंच। ठीक है, इट इज ए सर्फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स में अपन डील करेंगे, अभी इसको यहाँ अपन स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे सबडक्टिंग प्लेट क्या होती है, ऑबडक्टिंग प्लेट क्या होती है, ट्रेंच क्या होता है, एक्रिशनरी प्रिज्म क्या होता है, फोर आर्क बेसिन, बैक आर्क बेसिन, फोरलैंड बेसिन, ये आपके रेट्रो आर्क बेसिन, ये सारा अपन उसी के अंदर डील करेंगे। आइलैंड आर्क क्या होते हैं, वोल्केनिक आर्क क्या होते हैं, ठीक है, बेनियोब जोन वगैरह सारा उसी के अंदर आ जाएगा, अभी अपन इसको नहीं उठाएंगे। अब आपने सी और ओशन पढ़ा होगा ना, कभी कभी सोचते होंगे ना कि यार सी और ओशन के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस देखो, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप ओशन की जगह सी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और सी की जगह ओशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है। लेकिन अगर जब अपन डिफाइन ही करना चाहते हैं तो अपने पास में जो क्राइटेरिया वो क्या है कि ये जो सी की वाटर बॉडीज होती है ना, ये रिलेटिवली स्मॉलर होती हैं और शेलोवर होती हैं देन दी ओशन। शेलोवर का मतलब क्या है कि इनकी जो डेप्थ होती है ना वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, और स्मॉलर का मतलब छोटे होते हैं। फिर इनके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी ओशनिक वाटर बॉडीज़, द वाटर बॉडीज इन द सीज आर रिलेटिवली हायर सेलाइन देन दी ओशनिक वाटर बॉडी, ये आप ध्यान में रखना। और ये इनक्लोज बाई लैंड, इनक्लोज बाई लैंड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ स्मॉलर वाटर बॉडीज हैं, ये देखना पॉइंटर, यहाँ पे देखो, ये एक स्मॉलर वाटर बॉडी है, ये यहाँ पे एक स्मॉलर बॉडी है, यहाँ पे ये स्मॉल, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ट्रैप्ड है, यहाँ पे वाटर ट्रैप्ड है, ये आपकी क्या है, रिलेटिवली स्मॉलर बॉडी है। ठीक है, और इनके कुछ साइड क्या है, आपके लैंड पार्ट है, इसकी वजह से क्या होगा कि रिवर वाटर वगैरह खूब इसके अंदर आएगा और उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर फ्रेश वाटर लेके आएगी रिवर तो सॉल्ट कंटेंट कैसे बढ़ जाएगा, इसको अपन डील करेंगे आगे, डिजोल्व सॉल्ट इन सी वाटर एंड रिवर वाटर दोनों को कंपेयर करेंगे और वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डाउट मैंने दे दिया है आपको, अगर आ भी रहे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, वो जब टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बेसिकली तीन क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे ओशन और सी को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सीज आर द स्मॉलर एंड शेलोअर, हायर सेलिनिटी एंड इनक्लोज बाय द लैंड पार्ट्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। कितने सीज हैं, सेवन टोटली आइडेंटिफाई किए। जैसे अभी मैंने बोला ना कि इंटरचेंजेबल है, तो इंटरचेंजेबल का मतलब यहाँ पे इंडियन ओशन लिखा है, तो इंडियन वहाँ पे अपन ने ओशन भी माना है। ठीक है, तो जो अपनी कंट्री है, जो अपना इंडियन पेनिनसुला है, इसके प्रोक्सिमिटी में आपके क्या है, वेस्टर्न साइड में क्या है, अरेबियन ओशन है ना, वेस्टर्न साइड ही आएगी ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है, वो डायग्राम में फिर अटैच कर दूंगा। तो वेस्टर्न साइड में आपका अरेबियन से, तो जो लैंड पार्ट के प्रोक्सिमिटी में होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, सी बोलेंगे। जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो वो आपका क्या वाटर बॉडी ओशन के में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेवन सीज हैं, ये ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड हैं, और भी हैं लेकिन जब अपने को पढ़ना होता है तो मेनली अपन इन्हीं का पढ़ते हैं, इन्हीं का सिग्निफिकेंस है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इनका विल्सन साइकिल से किस तरह से अपन रिलेट करते हैं वो भी अपन आगे डील करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अपन जब कंपैरिजन ऑफ लैंड एंड ओशन की बात करते हैं अर्थ सरफेस एरिया के बारे में, तो आपका 70.8% जो एरिया सरफेस एरिया वो किसका है, ओशंस का है, और 29.2% जो है वो आपका किसका है, लैंड पार्ट है। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में खेलते हैं वो क्वेश्चन पूछने वाले, कभी पूछेंगे एक टू थर्ड पार्ट है वो अर्थ सरफेस एरिया किससे घिरा हुआ है, वन थर्ड पार्ट किससे घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आप 100 को टोटल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 70% कितना आएगा उसी हिसाब से वो होता रहेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस जो अर्थ सरफेस एरिया है वो आपका कौन कवर करता है, ओशन, किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में। तो किस तरह से भी बनता है कि ओशन जो है वो दो गुना से भी ज़्यादा अर्थ सरफेस एरिया कवर करते हैं, किसके कंपैरिजन में, लैंड पार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन देखने में कॉन्टिनेंट्स बड़े लगते हैं, तो स्टार्टिंग में ये माना गया था कि जो ओशनिक वाटर बॉडीज हैं वो स्मॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट्स, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडीज खुलती चली गई और लोगों ने एक्सप्लोर करना चालू किया, तब पता चला कि नहीं, एक्चुअली में ओशंस ज़्यादा बड़े हैं, लैंड आपका छोटा पार्ट है। ठीक है, फिर आपने थोड़ी सी एवरेज डेप्थ की भी बात कर ले, कितने हैं कि कितने ओशंस हैं अपने, मेनली अपने पास में चार ही हैं। ठीक है, तो इनकी एवरेज डेप्थ कितनी है, यहाँ से ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एवरेज डेप्थ कितनी है ओशन ओशन बेसिन की। ठीक है, सारों की नहीं पूछी, एवरेज डेप्थ कितनी है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है नेट के एग्जाम में। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो, कैसे, जो आपकी एवरेज डेप्थ है उसके हिसाब से। जैसे आपका पैसिफिक ओशन है तो इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर आर्कटिक है। तो आर्कटिक जो ओशन है इसकी जो डेप्थ है वो सबसे कम है, ये मेन सी लेवल है। ये सी लेवल अपन किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर जो है वो ऑन एन एवरेज ओशनिक बेसिन की डेप्थ होती है, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, पैसिफिक ओशन की, और सबसे कम किसकी है, आर्कटिक ओशन की है। कितनी कैसे है, कंपेरिजन ऑफ लैंड एंड ओशनिक सर्फेस की बात करें तो लैंड के ऊपर जो हाइएस्ट पॉइंट है ना, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, वो ओशंस के अंदर डीपेस्ट पॉइंट है ना उससे भी कम है। मतलब कि ओशन सरफेस के ऊपर जो डीपेस्ट पॉइंट है उसकी जो डेप्थ है वो लैंड पार्ट पे जो हाइएस्ट पॉइंट है उससे ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 8850 मीटर्स है जो हाइएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और जो सी लेवल के नीचे जो ओशंस के अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कितना है, 11022, करीब करीब 11,000 मीटर जो है वो आपका मेरियाना ट्रेंज है। मतलब देख सक आराम से कंपेयर कर लो, यहाँ पे एवरेज हाइट ऑफ लैंड भी लिखा हुआ है ये कितना है, 840 मीटर्स, और एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन बेसिन लिखा हुआ है ये कितना है, 3729 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई वो एग्जेजरेशन वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको 3 पॉइंट निकालने हैं, एक कि जो डीपेस्ट पॉइंट है उसकी डेप्थ इतनी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसकी डेप्थ इतनी है। डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है, हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट एवरेस्ट है। जो एवरेज हाइट है लैंड की वो आपकी कितनी है, 840 मीटर्स, और जो एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशनिक बेसिन है वो कितनी है, 3729 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 3729 मीटर्स को अपने अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, या मीटर में भी पूछा जाता है कई बार। एक एग्जाम पता नहीं कौन सी थी मुझे नाम, लेकिन उसमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके पूछा हुआ था। ठीक है, तीन तरह की, चार तरह की यूनिट दी हुई थी, तो वो यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, वो अपन न्यूमेरिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो।
ये तो थोड़ा सा बेसिक्स हो गया, ठीक है, कि ओशन कैसे डिफाइन करते हैं, ओलॉजी क्या है, ग्राफी क्या है, ओशनोग्राफी है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है, और ओशंस क्या होते हैं, कितने ओशंस हैं, क्या साइज़ है ओशंस की, रिलेटिव जब अपन कंपेयर करते हैं कितने ओशंस हैं, है ना, सीज़ कैसे डिफाइन करते हैं, कितने सीज़ हैं, फिर आप कंपेरिजन करेंगे ओशन लैंड पार्ट का, फिर एवरेज ओशनिक डेप्थ देख रहे हैं, तो सबसे कम आपके आर्कटिक का, सबसे ज़्यादा आपके पैसिफिक ओशन की है, फिर कंपेरिजन ऑफ लैंड एंड ओशनिक सर्फेस की बात करेंगे, तो हाइएस्ट पॉइंट आपका माउंट एवरेस्ट है, लोएस्ट पॉइंट आपका मेरियाना ट्रेंच है, ये क्विक रिविजन है, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, अब अपने को थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करना, और उसके बाद में अपन एडवांस लेवल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक्स कैसे, यहाँ पे है ना, ओशनोग्राफी में सॉल्ट क्या होता है, सेलिनिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होते हैं, आयन क्या होता है, कैटाइन क्या होता है, एनायन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। कहाँ यूज़ होती है, सी वाटर की केमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो ये ज़रूरी है कि इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझ लो, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला वीडियो लेक्चर आपको देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो सबसे सिंपलेस्ट है वो एटम, एटम अपन डिफाइन करते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखती है, जैसे अपन हाइड्रोजन आयन का एक ग्रुप ले लेंगे पूरा का पूरा, तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन पिक करेंगे ना, वो एक हाइड्रोजन आयन भी वही केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगी जो ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में डिफाइन करते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल ब्लॉक है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता या नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, वो सारी की सारी डेफिनेशन वो फिजिक्स के एस्पेक्ट में है। अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो उसी हिसाब से अपन इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस दैट रिटेन्स ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, और ये एग्जाम्पल के बेसिस पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कर लो और ये लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, देखो फिर आप मॉलिक्यूल क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में एटम जो है वो मेनली अपने पास में दो पार्ट से बना होता है, एक न्यूक्लियस और एक आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोटॉन के पास में मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, सो प्रोटॉन हैज़ मास एंड पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास में क्या है, न्यूट्रल है, मतलब चार्ज नहीं है लेकिन मास है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन के पास में मास भी है और पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास में मास है बट चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। फिर आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, कभी भी चेंज नहीं होता। हाइड्रोजन के लिए हमेशा एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, हीलियम के लिए हमेशा एटॉमिक नंबर 2 ही रहेगा, तो वो सीरीज है ना आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो पूरा आगे चलता रहता है पीरियोडिक टेबल में, वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर एटम के लिए एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, ये आप ध्यान में रखना। तो अब एक एक यूनिट और आती है एटॉमिक मास, तो इस ये किससे मिलकर के बनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो एटॉमिक मास में आप देखो, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स है और एटॉमिक मास है वो वेरी कर सकता है। अब वेरी कैसे करेगा, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करेगा तो चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन मास बदलेगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास में मास है चार्ज नहीं है, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन वेरी फॉर ए पर्टिकुलर एटम, तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था कि कैन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बी 0, ठीक है, हाँ हो सकता है भाई, धड़ल्ले से होते हैं, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पे 1H1 है, तो ये यहाँ पे ये जो लिखा है ना ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपका क्या है, एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन ऑलरेडी है तो एटॉमिक मास कहाँ से आए, और न्यूट्रॉन तो है ही नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे भी देख रहे हो ये सारे सारे एग्जाम्पल्स में क्या है, इनको अपन क्या बोलते हैं, जब भी एटॉमिक मास वेरी करता है किसी पर्टिकुलर एटम के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो वेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरिएबल फॉर ए पर्टिकुलर एटम दे फॉर्म्स आइसोटॉप्स। अभी आइसोटॉप्स हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टेबल आइसोटॉप और अनस्टेबल आइसोटॉप, वो अपन अनस्टेबल आइसोटॉप में स्टार्ट कर चुका था जियोकेमिस्ट्री में, वो वीडियो लेक्चर देख लेना, 6-7 पार्ट आ चुके हैं उसके, रेडियो एक्टिविटी उस पर डील कर रहे थे उसमें, ठीक है, देखोगे काफ़ी फायदा होएगा। देखो यहाँ पे एटम्स विद फिक्स्ड एटॉमिक नंबर बट हैव वेरिएबल एटॉमिक मास, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप।
अभी आइसोटोप वो दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। अब जैसे यूरेनियम के लिए एक क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम इज ए एटम, एलिमेंट, आइसोटोप और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब आप इसमें कौन से ऑप्शन चूज करोगे, लेकिन ऑप्शन में वेरिएबिलिटी है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। ये एटम भी है, एलिमेंट भी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, रेडियो एक्टिविटी भी शो करता है, और आइसोटोप तो है ही है, लेकिन आइसोटोप किस तरह का है, अनस्टेबल आइसोटोप है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। इसमें जो आयन होता है, ये आपके क्या होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको अपन क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायन बोलते हैं। ये जनरल टर्म्स हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट किया है सब कुछ, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स हैं वो 1H1 और ऑक्सीजन 8 और 16 है। हिमेश भाई का फ़ोन आ रहा है, सॉरी हिमेश भाई, करेंगे आपको फ़ोन अभी, ठीक है। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, इसकी डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं, ओशनोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपको इसका नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, इसके अंदर अपन फिजिकल नोटेशन डिस्कस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और उसके अंदर देखेंगे डेंसिटी कैसे डिफाइन, डेंसिटी कैसे वेरी करती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये सारा का सारा अपने को फिजिकल नोटेशन वाले चैप्टर में हैंडल करना। उसके बाद में अपन सी वाटर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से आपकी एक्चुअल ओशनोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, वहाँ से ओशनोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये बेसिक्स है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस 4 नंबर के क्वेश्चन आने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और शेयर करना यार, ठीक है, लाइक करो अगर पसंद आया हो, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्यों नहीं पसंद आया, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कोई सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जा तो रहा नहीं है, और हमें क्या पता कुछ मिल जाए, क्या मिलेगा वो जब मिलेगा तब आपको बता देंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार ऐसे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना। चलो।